नमस्कार, मैं तनु और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। IIMT समूह की बड़ी पहल, कोरोना पीड़ित परिवारों के लिए निशुल्क भोजन। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी IIMT समूह अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन बखूबी कर रहा है। कोरोना महामारी की दो लहरों के दौरान IIMT समूह ने कोरोना संक्रमित परिवारों के लिए मुफ्त भोजन सेवा का बड़ा अभियान चलाया था और 30,000 से अधिक लोगों को शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया था। IIMT समूह के प्रबंध निदेशक मयंक अग्रवाल ने बताया कि अब तीसरी लहर में भी IIMT समूह ने कोरोना पीड़ित परिवारों को निशुल्क भोजन उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। मेरठ में IIMT विश्वविद्यालय और नोएडा में IIMT ग्रुप ऑफ कॉलेज निशुल्क भोजन उपलब्ध कराने का दायित्व निभा रहा है। IIMT समूह के चेयरमैन योगेश मोहन जी गुप्ता ने बताया कि कोरोना संक्रमित हो जाने के बाद होम आइसोलेशन में रह रहे परिवारों से कई बार उनके रिश्तेदार और पड़ोसी भी दूरी बना लेते हैं। ऐसे परिवार मेरठ में भोजन के लिए मोबाइल नंबर 8392910070 और नोएडा के लिए मोबाइल नंबर 7302254554 पर संपर्क कर सकते हैं। बीजेपी ने जारी की पहले दो चरणों के प्रत्याशियों की सूची, गोरखपुर से लड़ेंगे सीएम योगी। भाजपा ने यूपी विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज की सिराथू सीट से उम्मीदवार होंगे। कैराना विधानसभा सीट से मृगांका सिंह और थाना भवन से सुरेश राणा को उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा के यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने पहले चरण की 58 सीटों में से 57 के लिए और दूसरे चरण की 55 सीटों में से 48 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा सीट से उम्मीदवार होंगे। मेरठ दक्षिण से सोमेंद्र तोमर, सरधना से संगीत सोम, हसीनापुर से दिनेश खटी, मेरठ कैंट से अमित अग्रवाल, किठोर से सत्यवीर त्यागी, मेरठ शहर से कमल दत्त शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। अब 24 की बजाय 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती से शुरू होगा गणतंत्र दिवस समारोह। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह अब 24 जनवरी की बजाय 23 जनवरी से शुरू किया जाएगा। यह फैसला नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल करने के उद्देश्य से किया गया है। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि स्टार्टअप्स का कल्चर देश के दूरदराज इलाकों तक पहुंचे। इसके लिए 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगी लगाम, 24 घंटों में 2.7 लाख नए केस, रिकवरी के आंकड़े राहत देने वाले। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार एक दिन में 2,68,833 नए कोरोना केस सामने आए हैं। हालांकि रिकवरी के आंकड़े राहत देने वाले हैं। इस दौरान 1,22,684 लोगों ने कोरोना महामारी को मात दी है। इसके साथ ही एक्टिव केस का प्रतिशत 3.85 हो गया है और रिकवरी रेट 94.83 के करीब पहुँच गया है। कोरोना का दैनिक पॉजिटिविटी रेट 16.66% और वीकली पॉजिटिविटी रेट 12.84% है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 6,041 केस हो गए हैं। देश भर में मनाया गया सेना दिवस, पीएम मोदी बोले हर भारतीय को सेना पर गर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस पर कहा कि भारतीय सेना दुनिया में अपनी बहादुरी और पेशेवर अंदाज के लिए जानी जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारतीय सेना द्वारा की गई अमूल्य सेवाओं का वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। प्रतिकूल परिस्थितियों और इलाकों में देश सेवा के साथ आपदा में नागरिकों की मदद करने में सेना के जवान सबसे आगे रहते हैं। सेना के शानदार योगदान पर भारत को गर्व है। फील्ड मार्शल KM करियप्पा 15 जनवरी 1949 को स्वतंत्र भारत के पहले सेना प्रमुख बने थे। इस उपलक्ष्य में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। लगातार दूसरे दिन कोल्ड डे, अगले सप्ताह बारिश की संभावना। पहले मकर संक्रांति से सर्दी थोड़ा कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार ठंडक में इजाफा नजर आ रहा है। कोहरे और बादलों ने एक बार फिर ठिठुरन बढ़ा दी है और लगातार दूसरे दिन दिल्ली NCR में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई, जिसे मौसम विभाग ने कोल्ड डे की संज्ञा दी है। सुबह के समय घना कोहरा छाया रहने से आवागमन में काफी परेशानी हुई और वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा रहा। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी RK जेनामणि के अनुसार अधिकतम तापमान में गिरावट की मुख्य वजह घना कोहरा और दिन भर बादल छाए रहना है। इसी वजह से कोल्ड डे के हालत बने। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह 3 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिससे बारिश की संभावना बन रही है।
अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने जताई आशंका, यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूस। यूक्रेन के खिलाफ रूसी साइबर अभियानों की निगरानी करने वाली अमेरिकी खुफिया एजेंसी का मानना है कि रूस अगले 30 दिनों के भीतर यूक्रेन पर जमीनी आक्रमण कर सकता है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने कहा कि रूस यूक्रेन पर बड़े हमले के लिए बहाना तलाश कर रहा है। किर्बी ने कहा कि इस तरह का हमला कार्यवाही करने की कोशिश करने, क्षमता साबित करने के लिए या यूक्रेन में नेतृत्व के फैसले को बदलने की कोशिश के लिए भी हो सकता है। वहीं व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन पसाकी ने कहा कि 2014 की तरह रूस यूक्रेन पर रूसी बलों के खिलाफ हमले की तैयारी का आरोप लगाकर भी हमला कर सकता है। यूक्रेन पर रूसी हमले से व्यापक रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।